रांची में ट्राइबल कल्चर के अलग अलग आयामों पर चर्चा के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्राइबल फिलोसफी का आयोजन किया गया है। ओल्ड हाउस में 17 से 19 जनवरी तक आयोजित इस सेमिनार का उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए कई विद्वान ट्राइबल कल्चर पर अपनी अपनी राय रखेंगे। वहीं कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और सीएम हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देश विदेशों से कई विशेषज्ञ, कई छात्र छात्राएं यहाँ आज आई हैं। मैं उनका अपनी ओर से अपने इस राज्य में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि विगत 3 दिनों तक ये चलने वाला सेमिनार से जो निचोड़ आएगा वो निचोड़ इस राज्य के आदिवासी समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत जरूरी है आज के दिन में, क्योंकि जिस तरीके से देश दुनिया भर में इस समूह पर अत्याचार बढ़ रही हैं, जिस तरीके से ये आज विकास के पैमाने से इनको लाभ कम नुकसान अधिक हो रहा है, ये आज चिंता का विषय है कि आज इतने बड़े समूह आज पूरे दुनिया के आबादी में जो गरीबी है उसमें आदिवासियों की संख्या लगभग जो हिस्सेदारी है 15% की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है और निश्चित रूप से आज इस सेमिनार के माध्यम से हम आने वाला समय में इस राज्य के इस बड़े समूह को संरक्षित करने में ये यहाँ का जो सुझाव होगा वो सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण।